हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ दोस्तों कैसे बच्चे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ डॉट एन की सनस्क्रीन के बारे में, और ये सनस्क्रीन मुझे कैसा लगा है अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी दोस्तों। और हमें सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए और सनस्क्रीन से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको पसंद भी आएगी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि सनस्क्रीन लगाना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, अभी सनस्क्रीन क्यों लगाए और क्या ज़रूरत है सनस्क्रीन लगाने की। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं दोस्तों कि चाहे गर्मियां हों या सर्दियां हों, आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। और किसी ने भी मुझसे पूछा भी था, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि आप भी कौन सा सनस्क्रीन लगाते हैं, प्लीज़ हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अभी लास्ट काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ डॉट एन की सनस्क्रीन और ये मुझे बेहद ज़्यादा पसंद आया है। तो ये है डॉट एन की सनस्क्रीन और पैकेजिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पीच कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आपको मिल जाएगा। सभी चीज़ें इसके ऊपर मेंशन की गई हैं, कैसे आपने इसे यूज़ करना है, कितनी देर तक लगाना है या कैसे इसे लगाना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं दोस्तों। पैकेजिंग ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से नोजल ट्यूब पैकेजिंग में मिल जाती है। दोनों का कलर सेम ही है, कलर इसका बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो सर्दी हो या गर्मी हो मेरे पर्स में सनस्क्रीन हमेशा रहता है। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो और ये लगाने में बहुत इजी है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आगे नोजल बनी गई है जिससे कि आप इसे आसानी से अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और सभी चीज़ें इसके ऊपर भी मेंशन की गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए। देखिए, सनस्क्रीन अगर आप नहीं लगाएंगे, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, सनस्क्रीन लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सूर्य की हानिकारक किरणें नुकसान सर्दियों में भी पहुंचाती है आपकी त्वचा को और गर्मियों में भी, और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे ना तो आपको सनबर्न हो जाएगा, सन टैन हो जाएगा। मैं आपको सनस्क्रीन लगाने का तरीका बताती हूँ फ्रेंड्स, कि सनस्क्रीन जब भी आप लगाएं तो धूप में निकलने से आधे घंटे पहले आपने सनस्क्रीन लगाना है। एकदम से सनस्क्रीन लगाकर बाहर ना जाए, वरना आपकी स्किन पर असर नहीं होगा सनस्क्रीन का। इसलिए सनस्क्रीन जब भी लगाएं उसे अच्छे से अप्लाई करें अपने फेस पर, नेक एरिया पर। मुझे इस सनस्क्रीन की सबसे अच्छी बात ये लगी है कि ये लगाने में बहुत इजी है। आप चाहें तो इसे फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हो या फिर आप इसे डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, ये देखिए, और अगर आप चाहें तो इस तरीके से फिंगर पर लेकर भी लगा सकते हैं। मुझे दोनों ही तरीके बहुत अच्छे लगे हैं। दोस्तों इस सनस्क्रीन की खास बात यह है कि ये सनस्क्रीन ना और सनस्क्रीन की तरह वाइट कास्ट नहीं देता है आपकी स्किन पर, क्योंकि काफी बार ना वाइट सी होने लगती है स्किन, तो इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये काफी देर तक आपकी स्किन में असर करता है, और साथ ही जब आप इसे अप्लाई करते हो तो वाटरमेलन कूलिंग सेंसेशन आपकी स्किन में होती है। मुझे बहुत पसंद आती है ये सेंसेशन, और गर्मियों में ना खास तौर से ऐसी चीज़ें लगाना मुझे बहुत पसंद है जिसमें कूलिंग सेंसेशन मिलती है। आपके सनस्क्रीन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि SPF 30 PA++ होना ही चाहिए कम से कम, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा बेशक हो जाए। और क्योंकि ये जो ऐसे सनस्क्रीन होते हैं ना बेहद ज़्यादा असरदायक होते हैं आपकी स्किन के लिए, और ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को सन टैन से बचाते हैं, यूवी रेस से बचाने में रक्षा करते हैं आपकी स्किन की। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आई होप दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये डॉट एन की सनस्क्रीन भी पसंद आया होगा। मुझे बेहद ज़्यादा अच्छा लगा है और ये आपकी सन टैन की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा, ये आपकी अन ईवन स्किन टोन को ये इवन करता है। ये चीज़ मुझे इस सनस्क्रीन के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है ये डॉट एन की का सनस्क्रीन। और इससे पहले भी दोस्तों मैंने अपने चैनल पर ना डॉट एन की मॉइस्चराइजर का रिव्यू शेयर किया हुआ है, तो प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिएगा वीडियो की प्लेलिस्ट को। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, और साथ ही इस सनस्क्रीन की परचेज लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो दोस्तों गर्मियों में सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ये सनस्क्रीन ना सभी स्किन टाइप वालों को सूट करेगा, खासतौर से ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बेहद अच्छा है। एक बार ज़रूर यूज़ कर देखिएगा दोस्तों, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है ना दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए। और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। यहाँ तक आई हैं, इतना कीमती समय निकाल कर आपने वीडियो देखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर देना दोस्तों। और मैं आपसे मिलती हूँ ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।